मूवी की कहानी की शुरुआत वेंडी नाम की एक महिला से होती है जो पोर्टलैंड में सेक्रेटरी है, जिसमें आत्मविश्वास की कमी थी, जो एक क्रूर हत्यारे के चंगुल में फंस जाती है और किसी तरह वो उसे मारकर उस कातिल से अपनी जान बचाती है। कैलिफोर्निया के सनलैंड शहर से, जहां फ्रैंकलिन नाम का एक आदमी शराब पीने के लिए बार में आता है जो एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर है, वो वहां बैठकर वहां की लेडी वेटर को घूरने लगता है। तो लेडी उसके पास आकर उसे हेलो करती है, पर फ्रैंकलिन उसे देखकर अपनी अलग दुनिया में चला जाता है। पर वो उससे बाहर आता है, वो उसे अपना नाम कैथी बताती है। जब फ्रैंकलिन कैथी को शनिवार रात को रात में मूवी देखने को बोलता है तो कैथी उसे मना कर देती है। उसकी ये बात सुनकर वो गुस्से में लाल होकर वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है पर फ्रैंकलिन अपनी कार में ही बैठा रहता है, जो अपनी अलग दुनिया में रहता है। जब कैथी अपना बार बंद करके अपने घर के लिए निकलती है, तभी फ्रैंकलिन उसे पकड़कर अपना शिकार बना लेता है और उसे बड़ी बुरी तरह से मारकर उसका गला काट लेता है। उसके बाद पोर्टलैंड ओरिगन में वेंडी को उसकी माँ ऑड्री का कॉल आता है, जो वेंडी को अपने बॉस से पैसे मांगने के लिए बोलती है, क्योंकि उसका सारा खर्चा उसकी माँ ही उठाती है, जो वो अब नहीं उठा सकती है। वेंडी रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकलती है, जहाँ उसकी मुलाकात उसके पड़ोसी से होती है, जो वांकुआ घूमने जा रही होती है। अपने ऑफिस आकर अपना काम करती है। जब उसके बॉस आते हैं तो वो पैसों के लिए उनके पास जाती है, पर हेजिटेशन की वजह से वो नहीं कह पाती है। उसे उसके बॉयफ्रेंड जेफरी का कॉल आता है, जो उसे कल रात के डिनर के लिए बोलता है। इधर शहर में एक और मर्डर हो जाता है, जिसका सर गायब था, जिसे फ्रैंकलिन ने ही मारा था, पर वो अपना कोई भी सुराग नहीं छोड़ता है, जिसकी वजह से पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगता है। डिटेक्टिव डेल कांडो को उस डेड बॉडी के हाथ में एक चीज मिलती है। जब डेल गाडो ऑफिसर्स को उन मरे हुए लोगों के बारे में बता रहा होता है, तभी उसे एक टेप आता है जिसे फ्रैंकलिन ने भेजा था। जब उस टेप को चालू किया जाता है, जिसमें एक महिला को मारने की वॉइस रिकॉर्डिंग निकलती है, जिसमें वो अपना असली नाम ग्रिफिन बताता है और डिटेक्टिव को चैलेंज करता है। टेप को सुनने के बाद वो कैप्टन से मिलता है, जहां वो बताता है कि उस कातिल का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। ये सुनकर कैप्टन भड़क जाता है और उस कातिल को पकड़ने का ऑर्डर देता है। इधर वेंडी घर जाते वक्त नेकलेस देखती है, जिसे वो खरीद लेती है। इधर डिटेक्टिव बर्डिन ग्रिफिन के बारे में सारी जानकारी जमा कर लेती है और कार में सब गार्डो को बताती है। वो बताती है उनको लगता है कि ग्रिफिन एक पढ़ा लिखा, अकलमंद, मासूम और रंगबाज टाइप का लड़का है, उसका कोई दोस्त नहीं है। और वो बताते हैं कि ग्रिफिन हेड्स को इकट्ठा कर रहा होगा जादू टोने के लिए, या ब्रेन्स को खाता होगा नॉलेज के लिए, पर उसे पकड़ने का एक भी सुराग नहीं है। इधर ग्रिफिन कार चलाते वक्त पार्क में खेलते बच्चों को देखता है, जिन्हें देख वो अपना बचपन याद करने लगता है, जहां उसके दोस्त उसे हर्ट करते हैं। वेंडी अपने बॉयफ्रेंड जेफरी के साथ जेज में डिनर करती है। इधर ग्रिफिन वेंडी के घर में घुस जाता है। इधर डिनर करते वक्त जेफरी वेंडी के नेकलेस की तारीफ करता है और कहता है मैं खुद देना चाहता था। डिनर खत्म करके वेंडी अपने घर पहुंचती है और बेड पर बैठकर टीवी चालू करती है, जिसमें वही मर्डर की न्यूज सुनकर बंद कर देती है और सेब को काटने लगती है। पर उसे वहां किसी के होने का एहसास होता है, तो वो उस चाकू को अपने पास रख लेती है और उठकर भागने चलती है। तभी ग्रिफिन उसे पकड़कर उसके गले में तार डालकर उसके गले को काटने की कोशिश करता है, पर वेंडी उसी चाकू की मदद से ग्रिफिन से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलती है। इसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है, जहाँ जेनिफर कोटस्लो का बड़ी बेरहमी से कत्ल हुआ था। ये वेंडी की पड़ोसी थी, जिसे ग्रिफिन ने वेंडी के घर जाते वक्त मारा था और उसका गला काट कर रख लिया था। इसके बाद डेलगाडो वेंडी से उस हमले के बारे में पूछता है, जहां वो बताती है कि वो लोगों को एक स्टील वायर की मदद से मारता है, जहां डेलगाडो को पता चलता है कि ये लोगों की गर्दन को इस वायर से काटता है, ना कि चाकू से। वेंडी बताती है कि मैंने उसे चाकू मारा है और वो मुझसे बदला लेने जरूर आएगा। जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड जेफरी को कॉल करती है उसके घर पर रहने के लिए, क्योंकि अब वो बहुत डरी होती है। इसलिए इधर ग्रिफिन अपने घर आता है और फ्रिज में उस कटी हुई गर्दन को रख देता है और फिर वो जेफरी को कॉल करता है और बहाने से उसकी सारी डिटेल पता कर लेता है। रात में पुलिस वेंडी को जेफरी के घर पर छोड़ देती है। वो जेफरी से सुबह कॉल के लिए माफी मांगती है, तो जेफरी बताता है कि तुमसे पहले मुझे एक रॉन्ग नंबर से कॉल आया था। फिर वेंडी अपनी बात उसे बताती है और सोने के लिए चली जाती है। इधर पुलिस वाले जो जेफरी के घर पर वेंडी को छोड़ने आए थे, उनको एक एक करके ग्रिफिन मार देता है।
उसके बाद वो जेफरी के घर जाता है। वेंडी को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है तो वो देखती है कि जेफरी को ग्रिफिन ने मार दिया है और वो भागकर कार में वहां से भाग निकलती है, पर ग्रिफिन उसका पीछा नहीं छोड़ता है। वेंडी का पीछा करते वक्त वो खाई में जाकर गिर जाता है और उसकी गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। तो वेंडी को लगता है कि अब वो मर चुका है। वेंडी जब अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वो पुलिस को बताती है कि जेफरी को ग्रिफिन ने मार दिया है। फिर वेंडी अपनी माँ को कॉल लगाती है और ये सारी बातें बताने की कोशिश करती है, पर उसकी माँ को लगता है कि वो पैसे मांगने के लिए उसे कॉल कर रही है, तो वो कॉल को काट देती है। इधर पुलिस कार के पास पहुँच कर इन्वेस्टिगेशन करती है, जहाँ उन्हें लगता है कि वो कार से कूद गया होगा, और डेलगाडो वेंडी को एक ऑफिसर के साथ पुलिस स्टेशन ले जाने को बोलता है। वेंडी उस ऑफिसर के साथ निकल जाती है। इधर डेलगाडो को वहाँ पर एक लाश मिलती है जो उन्हीं के उस ऑफिसर की होती है जिसके साथ वेंडी को जाने के लिए डेलगाडो ने बोला था। ये देख वो कॉल करके पूछता है कि वेंडी को पिकअप करने के लिए किसे भेजा गया है, पर तब तक ग्रिफिन वेंडी को ले जाता है हॉस्पिटल से। और जब वो वेंडी को दूसरे रास्ते पर लेकर जाता है तो वेंडी को पता चलता है कि वो ग्रिफिन के साथ में है। वो वेंडी को गन पॉइंट पर लेकर उसे वही चीज देता है जो डेलगाडो को इन्वेस्टिगेशन करते वक्त मिली थी, और वो वेंडी को ले जाता है वहाँ से। डेलगाडो और बर्डिन एक शॉप पर जाकर पूछताछ करते हैं, जहाँ पता चलता है कि ग्रिफिन इस शॉप पर रूट के नाम से जॉब करता था और जो भी लेडीज यहाँ से सामान खरीदती वो उसकी डिटेल लेकर उनका शिकार करता था। वेंडी का शिकार भी उसने इसी तरह किया था, क्योंकि वेंडी ने यहाँ से नेकलेस खरीदा था जो जेफरी के साथ डिनर पर पहना था। वो उस एड्रेस को लेकर वहाँ के लिए निकलते हैं। इधर ग्रिफिन वेंडी को अपने घर लाता है जहाँ वो रहता है। वो कार से दो बैग निकालता है जिसमें उसने कटी हुई गर्दन रखी थी। वो वेंडी को अंदर ले जाकर उसे बताता है कि मैं वही ज्वेलरी स्टोर वाला हूँ, पर वेंडी को कुछ समझ नहीं आता है। वो मौका देखकर ग्रिफिन को गन पॉइंट पर ले लेती है और जब वो अपने हाथ ऊपर करता है तो उस थैले में रखी गर्दन बाहर निकल जाती है जिसे वेंडी देखने लगती है। तो मौका देखकर वो उससे गन छीन लेता है और ग्रिफिन उन कटी हुई गर्दन को एक जार में रखता है और उसे जबरदस्ती खाना खिलाता है, पर वो नहीं खा पाती है। फिर वो उसे सोडा पिलाता है पर वो उसके ऊपर गिर जाता है। वो उसके कपड़ों को साफ करने लगता है पर उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो उसे ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर जब वो ये सब नहीं कर पाता है तो वो वेंडी को बहुत मारता है और उसे एक कुर्सी में बांधकर उसे जार में रखी गर्दन को दिखाता है और वो उसे एक टेप भी सुनाता है। वेंडी ये सब देखकर सहम जाती है, पर पुलिस भी वेंडी के पास पहुंच रही होती है। इधर ग्रिफिन अपनी हैवानियत की कहानी सुनाता है और उसे एक जार दिखाता है जिसमें वो वेंडी को मारकर उसकी गर्दन को रखेगा और वो इस बार वेंडी को एक आरी की मदद से मारने की बात करता है, पर वेंडी अपने हाथों को खोलकर वहां पर रखे जार को गिरा देती है और एक कमरे के अंदर चली जाती है। तो ग्रिफिन उस दरवाजे पर गोली चलाने लगता है, पर तब तक पुलिस वहां पहुंचकर ग्रिफिन को गिरफ्तार कर लेती है। और 3 हफ्ते बाद डेलगाडो और वेंडी साथ में ड्रिंक करते हैं और बात करते हैं, जिसके बाद वेंडी उसे एक चीज देती है जिसे ग्रिफिन ने दिया था। इधर ग्रिफिन को जेल हो जाती है और जब उसे कार में दूसरी जेल में ले जाया जाता है तो वो उन सबको मारकर वहां से भाग निकलता है। वो वहां से सीधे वेंडी के ऑफिस पहुंचता है उसे मारने के लिए। उसके रास्ते में आने वाले को वो मार देता है और जब वेंडी को इस बात की खबर लगती है तो वो वहाँ पर छिप जाती है और वहाँ पर पड़ी बंदूक को उठाकर वो ग्रिफिन पर चलाकर उसे मार देती है। वो उसे उसी की स्टाइल में उसको मारती है और उसकी लाश पर वो उस चीज को रख देती है।